एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ एग्जांपल है दैट वी हैव डन यस्टरडे बट वी आर डूइंग इट अगेन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा फ्रॉम द एक्सरसाइज दैट इज कॉस एक्स इज -1/2 एंड इट इज रिटन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. That is given to us and find all other t ratios. मुझे बाकी के सारे t ratios को find out करना है. Okay बेटा. तो for that बेटा, what I will do now? Firstly बेटा आप check करो. देखो if x lies in third quadrant, 100% cos negative होता है. Because third quadrant में only tan is जो है मेरे पास positive and cot is positive. All other quantities are negative. मैंने आपको कल भी बताया था if this is cos, cos जैसे होता है b by h. Negative क्यों लगाया? क्योंकि x third quadrant में था. ये negative उसका है. तो on comparing b मेरे पास 1 हो गया, h मेरे पास 2 हो गया, तो p calculate करने के under root of मेरे पास हो गए 4 - 1 √ ओके जी. पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना बाय पाइथागोरस थ्योरम लीजिए. अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? हमें बाकी सारी कैलकुलेशंस करनी है. साइन एक्स मुझे पता है वो नेगेटिव होगा. माइनस पी बाय एच माइनस पी इज √3 एंड एच इज 2. आफ्टर देन अगर साइन पता है तो कुछ सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होगा तो -2/√3 लिखोगे 1/sin. ओके आफ्टर देन कॉस पता है तो सीकेंट एक्स जो है वो सेम ही हो गया -2 रेसिप्रोकल करते. नाउ लेफ्ट ओनली टैन एक्स दैट इज पी बाय बी परपेंडिकुलर इज √3 एंड बी इज 1/1 तो √3 हो जाएगा एंड कॉट मेरे पास हो गए x. cot x क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर मेरे पास आई विल राइट हियर. ओके तो cot x इज मेरे पास रेसिप्रोकल दैट इज 1/√3. काम खत्म बेटा सारे कैलकुलेट हो गए. ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन. अच्छा वन मेथड इज दिस. आई विल टेल यू वन मोर मेथड यूजिंग आइडेंटिटीज. वो आप पे है आप जैसे मर्जी अप्लाई कीजिए. ठीक है सेकंड क्वेश्चन एक और करवा देती हूँ. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ. बाकी आप ट्राई करना सेम है एज इट इज सेम क्वेश्चंस है. ओके तो मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बट आई विल अप्लाई हियर द अदर मेथड. ओके हियर इट इज tan x that is -5/12 and x lies in second quadrant. Okay it is written here. Ab let us see it carefully now. Dekhiye tan you know it very well mere paas to gaye no doubt jo humne pehle method lagaya tha usme hum p by b likhte but agar koi second method hai na तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं. आइडेंटिटी के लिए टैन वाली क्या आइडेंटिटी होती है? 1 + tan² x इज इक्वल टू secant² x. अब यहाँ पर टैन की वैल्यू पुट कीजिए. जब आप टैन की वैल्यू पुट कर रहे हो तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हो गया 25/144 secant² x. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. ये आएगा 169/144 secant² x. अब जब स्क्वायर उधर जाता है तो वो हमेशा बेटा प्लस माइनस विद रूट. रूट सॉल्व करूंगी तो 13/12 आ जाए. अब दो वैल्यूज है प्लस एंड माइनस. हमने कौन सी ऑप्ट करनी है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट इज नेगेटिव. आप कहोगे एज एक्स लाइज इन
सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर बेटा मेरे पास हो गए, क्या हो गया, सीकेंट इज इक्वल टू -13/12। ओके, दिस इंप्लाइज कॉस क्या हो गया, -12/13। ओके जी, अब कॉस पता है, सीकेंट पता लग गया, टेन पता है, कॉट भी पता चलता है, कॉट क्या होगा -12/5। अब क्या रह गया, साइन, साइन के लिए भी क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल यूज द आइडेंटिटी टू फाइंड द अदर वैल्यू। तो बेटा मेरे पास जो है, यहाँ से इधर जा रही हूँ, तो साइन स्क्वायर आई नीड टू कैलकुलेट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू मुझे पता है 144/169, स्क्वायर साथ ही कर दिया, इक्वल्स टू वन, है ना बेटा। तो अब मेरे पास जो है साइन स्क्वायर एक्स, मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 -144/169, ये करूंगी तो 25/169। फिर वही, जब मैं साइन एक्स निकालूंगी तो ये +-5/13 आ जाएगा। मुझे कौन सा लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो देयरफॉर आप लिखोगे एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट मेरे पास, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13। ओके, अब साइन 5/13 आ गया तो कोसेकंट क्या बन जाएगा, 13/5, बस काम खत्म। क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट टू एनीवन, चले आगे, देख लीजिए किसी को डाउट तो नहीं, चल ठीक है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को प्रेफर करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन सेम है, मैंने 2 डिस्कस कर दिए, बाकी आपको ट्राई करो। ओके जी, दैट इज योर होमवर्क, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है ना, 100% पेपर में 1 नंबर में या 2 मार्क्स में या MCQ में, केस स्टडी में, किसी में भी आ सकते। ओके बेटा, तो फॉर दैट बेटा अब हम जो है करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 6। 6 से लेकर 10 तक के लिए आपको साइन कॉस टैन के ये फॉर्मूले जरूर आने चाहिए, साइन 2n π प्लस थीटा जो है वो हमेशा साइन थीटा होता है, कॉस 2n π प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, और टैन 2n π प्लस थीटा जो है, सॉरी n π जो है वो टैन थीटा। ओके जी, हम ये भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम ये भी बीच में यूज कर सकते हैं, साइन -θ इज -sin θ, cos -θ, cos कंज्यूम कर लेता है नेगेटिव साइन, तो cos थीटा, tan -θ इज -tan θ, बाकी इसके रेसिप्रोकल वाले सेम होते हैं। देखो मैंने भी तो लर्न की हूँ ये ना, आई एम नॉट हैविंग एनी मैजिक कि मैंने लर्न कर लिया, लर्न कैसे की, इतने सालों में बार बार बोल के हमें लर्न हो गए, हमने इतने सालों में लर्न किए, आपने 1 साल में लर्न कर लेने, कैसे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, राइट इट ऑन पेज एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल, आते जाते आपको हर बार लर्न हो जाए। ओके, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर यू, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चंस को कैसे हमने डिस्कस करना, ठीक है। आपको ये पता है कि यहाँ एन इंटीजर्स होते हैं,
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. यानी 2n पाई हम एंगल माइनस भी कर सकते हैं, हम एंगल को प्लस भी कर सकते हैं. ये बात आपको क्लियर होगी ना? तो इसके लिए आपके माइंड में हमेशा एक ही चीज आनी चाहिए कि हम क्या करें कि हमारी जो एंगल की वैल्यू है ना बेटा, वो मिनिमाइज हो जाए. हमारी एंगल की वैल्यू क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए. तो उसके लिए देखो बेटा, सबसे पहला 6th क्वेश्चन मेरे पास है, sin 765 डिग्रीज में दिया. देखो क्लियर कट उसने, कोई बात नहीं, हमें डिग्री में दिया, हम डिग्री में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. चलिए अब देखना जरा ध्यान से कैसे करूंगी. ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात. हमें पता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा जो है ना, वो साइन थीटा होता है, इसको यूज करें. मैंने इसको ब्रेक कर देना. कैसे ब्रेक करना है? 360 के मल्टीपल से, क्योंकि 2 पाई मेरे पास 360 होता है और n मतलब उसका मल्टीपल. अब मेरे को पता है कि 360 से बहुत दूर है, अगर 360 को 2 से करूं तो वो 720 बनता है, 720 इसके पास है. यानी मैंने इसको ब्रेक कर दिया 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? ब्रेक कर सकती है ना? आई हैव ब्रेकन. क्यों किया? यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब ये जो 720 है, ये 2n पाई हो गया प्लस थीटा, तो इसका आंसर होता है साइन थीटा. साइड पे फॉर्मूला लिखोगे. अब साइन 45 की वैल्यू तो आप सबको आती है, 1/√2 कौन खत्म. अब पता चला फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ, क्योंकि आपको पता है 2n पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होती है. ओके क्लियर? अब आप लोग मेरे साथ साथ चलोगे, खुद ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा. अब अगला नेगेटिव वाला है, ठीक है, आप उसको दो मेथड से कर सकते हो. 7th क्वेश्चन, तो अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं. मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी, आप जैसे मर्जी कीजिए. मैं आपको कह रही हूँ, मैं क्यों दोनों मेथड बता रही हूँ, क्योंकि कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पर्टिकुलर मेथड ही लगता है, तो मेथड हर तरह की आपको आनी चाहिए. ओके जी, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7 को सीकेंट मेरे पास हो गए, को सीकेंट माइनस मेरे पास हो गए 1410. ओके जी, डिग्री में दिया हुआ. पहले वही काम करो, देखो 360 के कितने मल्टीपल पे ये इसके पास एंगल आ. अगर मैं देखू 3 पे करूं 0 18, ये 10 अभी भी दूर गए. 364 का करूं तो 0 24 2, ये इसके पास पास आया. देखो आया ना? क्या मैं इसको अगर पूरा थीटा मान लूं तो मैं इसमें 4 × 360 डिग्री ऐड भी तो कर सकती हूँ. अब उल्टा फॉर्मूला लगाया, कैसे? मतलब कोसेकेंट थीटा दिया था तो उसमें मैं 2n पाई प्लस थीटा कर सकती हूँ. ये मैंने मान के चली पूरे को थीटा, जब नेगेटिव हो उसमें बस ऐड कर दो जितना. अब ये 2n पाई ये हो गया, ये मैंने बाद में यहाँ लिख दिया, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा. इसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे? अगर आप देखो तो एंगल माइनस होगा तो मेरे पास, क्योंकि अभी मैंने आपको करके बताया ये 1440 बनता था, तो कोसेकेंट ये कितना बना? 30 डिग्री. अरे बाबा, कोसेकेंट 30 डिग्री की आपको वैल्यू आती है, दैट इज ट्रू. काम खत्म. कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है? एनीथिंग कम्स इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी. आज जो हम काम कर रहे हैं मेन प्लस वन का बेस, यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है,
स्टार्ट किया हमने जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। एनीथिंग? हाँ जी अर्शदीप, आर्यमान, आर्यन, असीस, चिराग, इज इट क्लियर टू यू? इफ एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। चले आगे, चलिए दैट्स गुड। अच्छा अभी तक हमने डिग्रीज में किया, अब चलो रेडियंस वाले क्वेश्चंस करते हैं, वो तो और भी इजी हो जाते हैं। कैसे? उसका एक बेसिक सा फंडा है, मैं बच्चों को बोलती हूँ वो बेसिक फंडा क्या है बेटा मेरे पास। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8, है ना, फिर बताती हूँ सारे। मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ जो डिनोमिनेटर में दिया होता है ना बेटा, उसका मल्टीपल ऊपर ब्रेक कर दो। मतलब 3 दिया है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, है 19 इसके पास, 19 के। तो क्या करो आप, इसको ब्रेक कर दो 18 प्लस 5। सिंपल सी बात, ओके। आफ्टर देन आप इसको सेपरेट कर दो, बात वही है वो 2n π ऐड करने की, पर रेडियन वालों में ये इजी स्टेप हो जाता है। तो ये बन गया 6π + π/3। इफ यू सी ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखियो tan n π + θ क्या होता है बेटा, tan θ होता है। आई एम यूजिंग हियर दैट इज tan π/3 होता है ना। तो आपको tan π/3 की वैल्यू जो है आपको आती, देखिए आप कर सकते हो कि नहीं बताइए। एनी डाउट इन योर माइंड, 10π/3 की वैल्यू कितनी होती है बता सकते हो? हाँ जी, ओके रिद्धि, यस रिद्धि, मैम रूट 3। ओके हाँ जी बेटा, आपको नहीं समझ आता है तो मैं कह देती हूँ 180/3 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू दैट इज रूट 3। बिल्कुल रिद्धि ने सही बताया, ओके जी क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन आप सब करोगे और मुझे स्क्रीन पे दिखाओगे। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर नाउ 10th, ओके 10th क्वेश्चन आप सब करके मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखाओगे। आई जस्ट वांट टू नो वेदर यू आर एबल टू डू और नॉट। जल्दी जल्दी बेटा, आई विल नॉट डू इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑल ऑफ यू हैव टू डू। I am waiting that you will do that, sir. Jaldi jaldi beta. Jaldi kijiye. Agar according to this beta, agar aapne ye mujhe bataya hai to yahan par dekhiye aapne sign ulte bole beta. Minus aur yahan plus sign. Okay Pragati? यस मैम, मिस्टेक पता चली ना। आफ्टर देन बताइए क्या करोगे। यस मैम, हम पाई 4 लिख लेंगे एंड -16/4 पाई लिख लेंगे। हां जी -5/4 मैंने पहले लिख दिया और π/4 पहले लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट। आफ्टर देन, देन मैम फिर हम जो फार्मूला है वो लगा लेंगे, n π खत्म हो जाता है, n π cot π/4 हो जाता है और आंसर इज 1, बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी सब देखिए बेटा, आई एम एबल टू सी दिव्यांशी कॉपी, रिद्धि कॉपी, बाकी सब बच्चे, अरे अब शो इट मी ऑन योर स्क्रीन, बाकी बच्चे भी मुझे दिखाएं बेटा। आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड, वेरी गुड। नवकिरत आई एम नॉट एबल टू सी योर कॉपी बेटा, वेरी गुड। जपन, तरुण, ओके वेरी गुड। गुरकिरत आई एम नॉट एबल टू सी योर कॉपी। नव्या गुड, रिद्धि गुड, दिव्यांशी गुड, वेरी गुड।
अर्शदीप, हर्षवर्धन, जल्दी जल्दी हिमांशु कॉपी को आगे कीजिए बेटा, मुझे आपका फेस ही नजर आ रहा है, कॉपी विजिबल नहीं है। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे बेटा, आर्यमान, गर, अमृतपाल, जस्ट कॉपी की तरफ कैमरा टर्न कर दिया करो बेटा। ओके काव्या, ओके मैंने देख लिया। चिराग, विरति, अभय, गुंजोत, आदित्य जोशी, बेटा पार्टिसिपेट कीजिए। और सेकंड स्क्रीन पे मेरे पास किसी बच्चे ने कॉपी नहीं दिखाई मुझे। पुलकित, जतिन, ध्रुव, प्रमोद, आशीष, प्लीज बेटा ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड एक्टिव इन द क्लास। ठीक है बेटा, चलो आप सब अच्छे बच्चे हो और सब मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ यू आर एबल टू नो कि कैसे करना है। चलिए ठीक है बेटा, तो यहाँ तक जो था हमारा काम, एक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हुआ। अब आज हम नई चीजें करेंगे, नए फॉर्मूले और करेंगे, ताकि आप लोगों को कल तक आप लर्न कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मैडम। अब बेटा कल मैंने आपको नेगेटिव वाले फॉर्मूले करवाए थे, आज एक नई चीज करेंगे हम, साइन ए प्लस बी। यानी कई बार दो एंगल्स का सम आ जाता है साइन के अंदर। ठीक है, तो अब दो एंगल्स का सम आ जाता है तो इनको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वी आर नॉट एबल टू राइट लाइक दिस, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप साइन को एंगल्स के साथ कभी भी ओपन नहीं कर सकते ऐसे। ओके, इसके लिए हमने फॉर्मूलेज लर्न करने हैं बेटा, और साथ साथ आप लर्न करोगे कैसे। देखिए साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई डाल दो, ए प्लस बी डाल दो, सी प्लस डी डाल दो, डजंट मैटर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, व्हाई वी नीड दिस। सपोज आई नीड टू कैलकुलेट साइन 75 डिग्री, ओके आई कैन री राइट इट एज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिस इज ए दिस इज बी। मैंने आपको अभी बताया साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास यहां पर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ओके जी, आपकी मर्जी है, आप ए इसको ले लो, बी इसको ले लो, डजंट मैटर। अब देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। टेंथ वाली बेसिक वैल्यूज आपको सब याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो दैट मींस आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट 2√2√3+1। दिस इज माय आंसर, रैशनलाइज कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब पता चला why we are telling you such type of formulas? Yes, Devyanshi. Yes, beta. Ma'am, √6+√2/4 is the answer after rationalizing. Yeah, yes, yes. वो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, no problem at all. Okay? ये first formula था, ये मैंने just आपको बताया कि हम क्यों study कर रहे हैं, और ये गलती कभी भी नहीं करनी। ठीक है, first formula. अच्छा जरूरी थोड़ा है कि हर बार प्लस का लगे, जैसे साइन 15 की वैल्यू चाहिए तो 45 माइनस 30 डिग्री करोगे ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला चाहिए तो क्या करोगे, साइन ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आएगा। साइन ए मेरे पास हो गए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही हम लर्न करेंगे कॉस ए प्लस बी। मैं आपको बार बार कहती हूं जो कॉस है ना, कॉस को वर्ड से बना है, को मतलब वेरी क्लोज टू यू,
अगर आपके साथ आपका कोई क्लोज फ्रेंड, कोई क्लोज रिलेटिव कुछ गलत करता है तो आप सबसे ज्यादा आपका हार्ट जो है इफेक्ट होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। आप आर्गुमेंट किससे करते हो? जो आपकी क्लोज होता है, अगर वो आपकी बात ना माने आप गुस्सा होते हो, सेम इजी है। तो कॉज ए प्लस बी को कैसे करते हैं? कॉज ए, कॉज बी, देखो यहाँ दोनों कॉज कॉज, लेकिन प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। फोर्थ, कॉज ए माइनस बी, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन भी तो लर्न करना है, पर टेन का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है इससे, टोटली डिफरेंट। ठीक है जी, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, हाउ टू डू दिस, मैं साथ ही बताने लगी हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। डेरिवेशन हमें आप खुद देखोगे कैसे फॉर्मूलेज बने हैं, क्योंकि मैंने बेस आपका तैयार कर दिया। ओके, आप खुद देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, दिस इज फिफ्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी ओवर, माइनस है तो ऊपर माइनस, प्लस है तो ऊपर प्लस, वन प्लस टेन ए टेन बी। ये सारी वैल्यूज हमें जैसे टेन फिफ्टीन डिग्री, टेन सेवेंटी फाइव डिग्री, बहुत सारे और हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ ये दो ही हैं, सिर्फ ये तो मैंने दो एग्जांपल्स ही, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको हेल्प करेंगी यूजिंग दीज फॉर्मूलेज टू इवैल्यूएट। ठीक है, बुक में ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, वो एक फॉर्मूला कॉस का नेगेटिव का देगा, फिर अगला दूसरा देगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं तभी हम बेटा आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्योंकि कल हॉलीडे है तो दैट्स वाई वी आर डूइंग मोर फॉर्मूलेज। ठीक है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट फॉर्मूलेज भी, वो फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसका एक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने लर्न करना है, समझना है मेरे से। लेट अस डू दैट। ओके, आई एम रबिंग दिस फॉर्मूलेज, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलेज ना मिक्स होके बेटा लगने, सारे के सारे कहीं ना कहीं मिक्सिंग होके ये यूज होने, तो इसीलिए मुझे इकट्ठे ही करवाने पड़ेंगे आपको। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या ये आइडेंटिटीज है या फॉर्मूले। अगर कभी भी साइन 90 प्लस एक्स आए, कॉस 90 प्लस एक्स आए, या साइन 90 माइनस एक्स या थीटा, कुछ भी हो, कॉस 90 माइनस थीटा या टेन 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये कोई भी, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना। 90 डिग्री यहाँ होता है, मतलब पाई बाय टू होता है ना। अब देखना जरा ध्यान से बेटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 ये अगर एंगल प्लस होना है तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये जितना भी थीटा होता है ना, ये एक्यूट होता है, एक्यूट होना मतलब ये बिल्कुल साथ वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, इससे आगे कभी नहीं जाता। ओके, 90 प्लस इधर आता है, 90 माइनस इधर जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान से लिखो, अगर 90 हो, को नहीं लगा तो को लगा दो, को लगा है तो को हटा दो, और थीटा तो लगेगा। ओके, अब आप साइन नहीं अभी मैंने बताया था,
अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया 90 हो या 270 हो, दोनों में मैं बताऊंगी, 90 हो या 270 हो, को नहीं लगा तो लगा दो, को लगा है तो हटा दो। देखो ये कॉस एक्चुअली को साइन होता है, को साइन में को काट दिया तो साइन ही बना। अब आप खुद देखो साइन, साइन में को नहीं लगाया, को लगा दिया तो को साइन मतलब कॉस होता है। मैं बार बार कह रही हूं, अभी मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया मैंने, कॉस 90 माइनस थीटा है, को लगा हुआ है हटा दो, साइन बन गया। टेन 90 प्लस थीटा है, को नहीं लगा तो लगा दो, कॉट बन गया। सेकेंड को नहीं लगा तो लगा दो, को सेकेंड थीटा बन जाएगा। अब ये फॉर्मूले कंप्लीट नहीं है, अब मुझे क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है, किसका किसका आंसर का नहीं चेक करना, किसका चेक करना। साइन जो है अगर 90 प्लस थीटा जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहां कुछ नहीं लगा, इट्स ओके, पॉजिटिव ना लगाओ, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आए कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करूंगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर माइनस साइन थीटा होगा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, आंसर के आगे कुछ नहीं बना। कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव। अब टेन 90 प्लस थीटा, प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताइए कि टेन, मैं बार बार कह रही हूं स्टेटमेंट को देखना है, इसको नहीं देखना। टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लगा दीजिए कुछ, ये सेकंड, सेकंड 90 माइनस, जब माइनस होगा ना तो पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो टेंशन ही नहीं होती। सेम कॉन्सेप्ट 270 का है ना, एक सेकंड एक आधा हम कर लेते हैं, आपको कोई ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड से आप बनाओगे। आपको पता है ये है, प्लस में आगे जाएगा माइनस में पीछे आएगा। चलो अब मैं अनम्यूट करने लगी हूँ सबको, तो आप लोग टर्न बाय टर्न है ना पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, जिसका नाम लोगे जल्दी जल्दी करना। चलो अबे टेन 3π/2 प्लस थीटा, जल्दी जल्दी अबे अनम्यूट योरसेल्फ, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप पार्टिसिपेट में लिस्ट देखते जाओ, जो अगला बच्चा है मेरे को बताता जाए, अगर आप नहीं, जिसको नहीं आता लीव इट। अमृत पाल, अर्शदीप, क्या बात है, किसी को समझ नहीं आया? यस मैम। हाँ जी अर्शदीप बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। मैम इसका आंसर होगा माइनस माइनस कॉट थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल सी बात थी, को नहीं लगा, लगा दिया, और 270 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टेंथ नेगेटिव ही होता है, बिल्कुल करेक्ट बताया। चलिए अब आशीष, आशीष बेटा जल्दी जल्दी, पार्ट गलत होगा क्या होगा ज्यादा से? यस मैम। हाँ मेरा बेटा, चलो बताओ आशीष इसका आंसर क्या आएगा बेटा? टेन थीटा, सॉरी हाँ बोलो बोलो बोलो, सोचो कोई बात, थिंक ओवर इट।